आज भारतवर्ष अपनी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। इसके लिए ये अनिवार्य है कि समाज के हर तबके को समानता के साथ लेकर आगे बढ़ा जाए, ताकि हर एक नागरिक इस लक्ष्य का एक हिस्सा बन सके। हमारी 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में 2.25 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनको सरकार ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए और अपनी आशाओं को एक रूप देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स देने की मुहिम छेड़ी है। ये स्कॉलरशिप्स पढ़ाई के अनेक स्तर, जैसे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेशनल और इंटरनेशनल डॉक्टरेट्स में पढ़ने वाले दिव्यांगजन छात्रों को दी जाती है। ये कहानियां ऐसे ही कुछ छात्र छात्राओं की हैं जिनको आशा की एक नई किरण दिखाई गई है। ये कहानी है हरिंद्र महतो की, जो समस्तीपुर के ग्राम राजौर में शुरू होती है। पोलियो से ग्रस्त हरिंद्र आज जर्मनी देश की यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम में नैनो टेक्नोलॉजी में अपनी पीएचडी पूरी कर रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार ने इनको नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के द्वारा प्रबल किया है। एक छोटी सी उम्र में हरिंद्र को पोलियो ने जकड़ लिया। उन्हें लेकर उनके माता पिता ने बहुत चिकित्सकों को दिखाया, जिन्होंने दवाई के साथ निरंतर मालिश करने का सुझाव दिया, लेकिन हरिंद्र की हालत अब ऐसे ही रहने वाली थी। हर प्रकार के कष्ट को सहन करते हुए माता पिता ने हरिंद्र की पढ़ाई को जारी रखा। विज्ञान में रुचि रखने वाले हरिंद्र ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत समस्तीपुर से करी। मेहनती और लगनशील हरिंद्र साल दर साल अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण होते गए। समस्तीपुर से ग्वालियर, ग्वालियर से दिल्ली और आज बर्लिन शहर की यूनिवर्सिटी ऑफ पॉट्सडैम में उच्चतम पढ़ाई कर रहे हरिंद्र की मानसिक ताकत और स्वावलंबन की सराहना उनके पिता कुछ इस तरह करते हैं। लगनशील है, पढ़ने में पूरा जोर देता है, 12 बजे तक पढ़ते रहता है। हरिंद्र ने खुद से ही स्कॉलरशिप के बारे में पता लगाया और अपने आवेदन को सफल बनाया। इस स्कॉलरशिप के जरिए हरिंद्र आज विदेश के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी एकाग्रचित होकर पूरा कर पा रहे हैं। सरकार के प्रति आभार हरिंद्र कुछ इस तरह व्यक्त करते हैं। I got my scholarship from Ministry of Social Justice and Empowerment. So I like to thanks to our government and our scholarship department. They are very helpful. How can I apply and how can I do all the process? Indian government have launched a beautiful scholarship for the person with disability. I speak with my parents, my teachers. They all are happy. Then they say I am proud of you, and I also feeling very happy because my dreams to go do my research.